वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आज हम लोग प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ओके? जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, आपके सारे एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, ओके फ्रेंड? तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा पहला फिक्स्ड प्रीपोजिशन। देखिए, सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि मेरा ये एग्ज़ाम है तो इसके लिए क्लास नहीं है, सारे एग्ज़ाम के लिए, ओके? चाहे वो ऑल वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग्स के एग्ज़ाम हो, कोई सभी एग्ज़ाम हो, ओके? चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है अबाउंड। क्या है फ्रेंड अबाउंड? अबाउंड, अबाउंड के साथ हमेशा क्या लगता है? अबाउंड के साथ हमेशा इन लगता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिच इन। क्या होता है फ्रेंड? रिच इन, ओके? अबाउंड का मतलब होता है रिच इन, ओके? मतलब कि कैसे? धनी होना। क्या होता है फ्रेंड? धनी होना, है ना? या फिर जितना प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, क्या फिर जितना उनके पास धन की ज़रूरत हो उतना प्रचुर मात्रा में धन होना, ये होता है क्या? अबाउंड इन, ओके? देख लेते हैं फॉर एग्जांपल इसका। उत्तर प्रदेश अबाउंड इन वाटर रिसोर्स। उत्तर प्रदेश में जो पानी की जो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, वो प्रचुर मात्रा में बिल्कुल उपलब्ध हैं, ओके? तो ये हो गया आपका अबाउंड। आपको याद रखना है क्या कि हमेशा अबाउंड के साथ क्या आएगा? इन। क्या आएगा फ्रेंड? इन। और उसका मतलब क्या होता है? मतलब कि प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ होना, ओके? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए, और अबाउंड, अबाउंड के साथ विद भी लगता है। एक अबाउंड के साथ इन लगता है, एक विद। और जहां विद लगेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? फुल ऑफ। क्या हो जाएगा फ्रेंड? फुल ऑफ। अब फुल ऑफ का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ पूर्ण मात्रा में, कोई चीज़ पूर्ण मात्रा में, ठीक है? मतलब कि जो संपूर्ण हो। द फॉरेस्ट इज अबाउंड विद स्ट्रीम। स्ट्रीम से पूरी तरीके से ये जंगल भरा हुआ है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अबाउंड। अबाउंड के साथ हम क्या लगाएंगे? विद। अबाउंड विद का मतलब आपको समझ लेना है फुल ऑफ होता है। क्या होता है फ्रेंड? फुल ऑफ, ओके? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, अब्सॉल्व क्या है? अब्सॉल्व, अब्सॉल्व मीन्स क्या होता है? अब्सॉल्व मीन्स होता है फ्रेंड मुक्त होना। क्या होना? मुक्त होना, ओके? तो अब्सॉल्व के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इनके साथ ये आते ही आते हैं, ठीक है? अब्सॉल्व फ्रॉम का मतलब होता है क्या? डिक्लेयर फ्रॉम फ्री गिल्ट, मतलब कोई भी गिल्ट से क्या होना, बिल्कुल से डिक्लेयर कर देना कि ये बिल्कुल इनोसेंट है, ओके? या फिर कोई प्रॉमिस से, मतलब क्या होना? मुक्त होना। कोई प्रॉमिस आप किसी से कर रहे हैं, उसके उससे क्या हो गए आप? मुक्त हो गए। या फिर कोई ड्यूटी से आप क्या हो रहे हैं? बिल्कुल फ्री हो रहे हैं, ठीक है? तो वही होता है अब्सॉल्व फ्रॉम। क्या होता है फ्रेंड? अब्सॉल्व फ्रॉम। देखिए यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल्स हैं इसलिए पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स को, क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है? देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। द कोर्ट हैज अब्सॉल्व हिम फ्रॉम द क्राइम। द कोर्ट हैज अब्सॉल्व्ड हिम फ्रॉम द क्राइम, मतलब कोर्ट ने जो क्राइम से उसको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। जो भी उसने क्राइम किया था उससे उसको, जो कोर्ट था, कोर्ट ने उसको उससे क्या कर दिया? बिल्कुल फ्री कर दिया, या फिर आप बोल सकते हैं मुक्त कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके आपको रटना है कि अब्सॉल्व के साथ अगर फ्रॉम आएगा तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ से क्या होना? बिल्कुल फ्री ऑफ, मतलब कानूनी रूप से किसी चीज़ से आप क्या हो रहे हैं? बिल्कुल फ्री हो रहे हैं, ठीक है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए क्या है आपका ऑब्जॉर्व इन। ऑब्जॉर्व के साथ क्या लगाते हैं? ऑब्जॉर्व मीन्स होता है क्या? ऑब्जॉर्व मीन्स होता है फ्रेंड अवशोषित करना। क्या होता है? अवशोषित करना, ये होता है आपका अब्सॉर्व। अब्सॉर्व मीन्स होता है अवशोषित करना, मतलब कोई चीज़ को अपने अंदर क्या कर लेना? सोख लेना या अब्सॉर्व कर लेना, अवशोषित कर लेना, अंदर रख लेना, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? अब्सॉर्व। अब्सॉर्व के साथ हमेशा क्या लगता है? इन लगाते हैं।
और इसका मतलब क्या होता है, बिजी इन वर्क, मतलब अपने काम में क्या रहना, हमेशा बिजी रहना, ठीक है, किसी से लेना देना ना हो, बस अपने काम में क्या हो, बिजी हो, तब हम क्या लगाएंगे, ऑब्जर्व इन। देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इसका, ही इज कम्प्लीटली ऑब्जर्व इन हिज वर्क, वह अपने काम पर वह हमेशा बिल्कुल पूरी तरीके से क्या रहता है, मतलब कि बिजी रहता है। तो ऑब्जर्व के साथ क्या लगाएंगे, इन। ये प्रीपोजिशन आपके कम से कम एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, कौन सा, प्रीपोजिशन। ओके, हर एग्ज़ाम के लिए, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हो, हर एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अब देखते हैं अब्सटेन फ्रॉम क्या है फ्रेंड, आपका है अब्सटेन फ्रॉम। अब्सटेन मीन्स क्या होता है, अब्सटेन मीन्स भी होता है बचना, क्या होता है, बचना, मतलब किसी भी चीज से क्या हो रहे हो, आप बच रहे हो, ठीक है। तो अब्सटेन मीन्स क्या होता है, अब्सटेन मीन्स होता है फ्रेंड बचना। ओके, तो देख लेते हैं होल्ड वन सेल्फ बैग यूज्ड फॉर फूड, ये किसके लिए यूज किया जाता है, मतलब आप किसी चीज़ से मतलब बच रहे हैं, आप कोई खाना, इसे डॉक्टर ने बोला है कि आप ये खाना मत खाया, उससे आप क्या कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, वही चीज़ क्या होगी, आप उस चीज़ से बच रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल और अच्छे समझ में आएगा। हिज डॉक्टर आस्क्ड हिम टू अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक्स, उस डॉक्टर ने क्या पूछा, किसे, उससे पूछा, क्या पूछा, टू अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक्स, क्या आप ड्रिंक लेने से बच रहे हैं, या आप ड्रिंक लेते हैं, ठीक है, आपको ड्रिंक से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, मतलब कि नहीं पीना चाहिए, तो ये चीज़ क्या होगी, अब्सटेन। अब्सटेन मीन्स क्या होता है, बचना, और अब्सटेन के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए अब क्या है, अब है आपका अब्सटेमियस, क्या है, अब्सटेमियस। अब्सटेमियस मीन्स क्या होते हैं फ्रेंड, सबसे पहले तो ये जानेंगे, अब्सटेमियन मीन्स होता है संयमी होना, क्या होना, संयमी होना, मतलब कि बहुत हर चीज को क्या करना, बर्दाश्त कर लेना, या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत शांत टाइप का इंसान हो, हर चीज में क्या है, बिल्कुल उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि हर चीज को क्या कर रहा है, मतलब अपने अंदर छुपा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया कि संयमी होना, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब वो खाने पीने का शौकीन है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो बच रहा है अपनी आदतों से, ठीक है। देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, दोज हु आर अब्सटेमियस इन फूड हैबिट्स इंजॉय गुड हेल्थ, है ना, वो अपनी जितनी भी फूड हैबिट्स थी, खाने पीने का वो शौकीन था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, गुड हेल्थ के लिए उन सबको क्या कर रहा है, अब्सटेमियस, मतलब उनके लिए बहुत संयमी बना के हर चीज़ों को वो इंजॉय करके खा रहा है, ठीक है, अपनी गुड हेल्थ करने के लिए। ओके, सो आपका अब्सटेमियस बस याद रखना है, अब्सटेमियस के साथ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, वो भी किसके लिए, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, एक्सीड। एक्सीड क्या होता है, ठीक है, एक्सीड तो शायद आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, चलिए नहीं पढ़े हैं तो फिर भी बता देते हैं, एक्सीड मीन्स होता है कोई चीज को मान लेना, क्या कर लेना फ्रेंड, मान लेना। ओके, कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेना, आप बोल सकते हैं, क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। एक्सीड टू का मतलब होता है कोई रिक्वेस्ट या प्रपोजल को क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना, क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट कर लेना या फिर प्रपोजल को मान लेना, ये होता है आपका एक्सीड टू। एक्सीड टू का मतलब रिक्वेस्ट या प्रपोजल, ठीक है, मान लेना, तो आपको याद रखना है मान लेना, एक्सीड टू, क्या लगाएंगे, एक्सीड टू। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सीड टू माई आंसर, उसने मेरे आंसर को क्या कर लिया, एक्सीड कर लिया, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, ठीक है। तो क्या लगाएंगे आप, एक्सीड के साथ, एक्सीड के साथ लगाएंगे आप एक्सीड टू, क्या लगाएंगे, टू। तो ये सारे जितने भी प्रीपोजिशन चल रहे हैं, आप इनको, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये, और इनको आपको याद रख ही लेना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, एक्सेस टू, अब क्या है फ्रेंड, एक्सेस। एक्सेस भी आप पढ़े होंगे,
ठीक है। एक्सेस मीन्स क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सेस मीन्स होता है पहुंच होना, क्या होना, पहुंच होना कहीं तक आपके क्या हो, पहुंच हो। मीन्स ऑफ रीचिंग और अप्रोचिंग, मतलब आपके जैसे मान लीजिए कि जैसे बोलते हैं कि मेरी वहाँ तक पहुँच है, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं ना कि मेरी प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच है, मेरी सीएम तक पहुँच है, इस टाइप से। तो वो जो पहुँच होती है, एक जो आपका रुतबा होता है वो क्या होता है, आपका एक्सेस टू होता है। क्या होता है, एक्सेस टू होता है। मीन्स ऑफ रीचिंग और अप्रोचिंग, आपकी अप्रोच होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस टू। ठीक है, एक्सेस के बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, कि मेरी कोई भी मतलब कि एक्सेस नहीं है कहाँ तक, प्राइम मिनिस्टर तक, मतलब कि मेरे प्रधानमंत्री तक कोई भी पहुँच नहीं है, नो एक्सेस। ठीक है, आई हैव नो एक्सेस मतलब कि मेरे पास कोई भी प्रधानमंत्री तक पहुँचने की कोई भी पहुँच नहीं है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्सेस टू, मतलब कि पहुँच होना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हाँ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधेर टू। क्या है फ्रेंड, अधेर टू। अब अधेर टू का मतलब तो शायद आप ना जानते हो, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग अधेर टू का मतलब क्या होता है। अधेर मीन्स भी होता है मानना, क्या होता है फ्रेंड, मानना। स्टिक टू मतलब कि कोई चीज़ मतलब बहुत आसानी से मानना नहीं, बहुत स्टिक मतलब स्टिक टाइप से मानना, बहुत कठिनाइयों में कोई चीज़ को क्या कर लेना, मानना, डिसाइड करना। ठीक है, तो वो क्या होता है, इसमें भी अधेर के बाद क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड, टू लगाते हैं। ओके, ये क्या हो गया आपका, अधेर टू। तो देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू अधेर टू प्रोग्राम ऑलरेडी एग्रीड अपॉन, मतलब कि हमने निश्चित किया है क्या, मतलब कि ऑलरेडी इस प्रोग्राम को क्या करने के लिए, सहमति बनाने के लिए हम लोगों ने क्या लिया है, मान लिया है। इस प्रोग्राम को करवाने के लिए हम लोगों ने अपनी सहमति को क्या कर दिया है, मान लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधेर टू, आप समझ लेंगे कि मानना किस टाइप से, स्टिक टू। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को, अप्रूव ऑफ। अब अप्रूव मींस क्या होता है, अभी मैंने बताया, अप्रूव मींस क्या होता है, अप्रूव मींस होता है फ्रेंड मंजूरी देना। क्या देना, मंजूरी देना, किसी को कोई चीज़ के लिए क्या कर देना, मतलब कि ऑर्डर कर देना। ठीक है, तो मंजूरी दे देना कि सरकार ने ये मंजूरी दे दी कि आप ये काम कर लेंगे। ठीक है, गिव वंस अप्रूवल मतलब कि वहाँ तक की पहुँच दे दी है किसने, सरकार ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मंजूरी देना, अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, मंजूरी। अप्रूव के बाद हम क्या लगाएंगे, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ, क्या आएगा फ्रेंड, ऑफ। देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सी अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल इन टाइम, उसने इस समय अपने मेरे प्रपोजल को क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, आप जैसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एक्सेप्ट करना मतलब कि मंजूरी देना। ठीक है, उसी को बोलते हैं अप्रूव्ड ऑफ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को, एसेंट टू। क्या है फ्रेंड, एसेंट टू। अब एसेंट मीन्स क्या होता है देख लेंगे, देखिए एसेंट का मतलब होता है अनुमति। क्या होता है, अनुमति। ऑफिशियल गवर्नमेंट टू ए प्रपोजल मतलब कि जैसे कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट के लिए या फिर कोई प्रपोजल के लिए क्या कर देना, आपकी अनुमति होनी बहुत आवश्यकता है, मतलब आपकी सहमति होनी। अनुमति का मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, सहमति होनी। ठीक है, सहमति होना। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट हैज गिवन एसेंट टू द बिल मतलब कि प्रेसिडेंट ने इस बिल के लिए क्या दे दिया है, सहमति दे दी है। ठीक है, क्या है, प्रेसिडेंट जो मतलब राष्ट्रपति है वो इस बिल के लिए क्या दे दिए हैं, सहमति अपनी दे दी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एसेंट के बाद क्या लगेगा, हमेशा टू प्रीपोजिशन लगेगा। क्या लगेगा फ्रेंड, टू प्रीपोजिशन लगेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, देखिए अबहोरेंट। अबहोरेंट, अबहोरेंट के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। अबहोरेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ से क्या करना, हेट करना, मतलब कि नफरत करना, क्या करना, किसी से नफरत करना।
ओके, वो क्या होता है आपका, अबहॉरेंट होता है। क्या होता है फ्रेंड, अबहॉरेंट। ओके, तो अबहॉरेंट के साथ हमेशा आपको क्या यूज करना है, ऑफ लगेगा। क्या लगेगा, ऑफ, ठीक है, ये ऑफ लगेगा। ही इज अबहॉरेंट ऑफ डावरी सिस्टम। वो जो डावरी सिस्टम है, डावरी सिस्टम का मतलब जो दहेज प्रथा है, उससे वो क्या करते हैं, अबहॉरेंट ऑफ, मतलब क्या रखते हैं, हमेशा नफरत रखते हैं, ठीक है, या फिर नफरत करते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। तो ये सारे प्रीपोजिशन आपको बिल्कुल रट ही लेने हैं कि अबहॉरेंट के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है, ठीक है। एक्वेंट विद, एक्वेंट क्या होता है ये जान लेते हैं आप, एक्वेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्वेंट ऑफ, देखिए एक्वेंट, एक्वेंट के बाद क्या लगेगा, विद। एक्वेंट का मतलब होता है परिचित होना, क्या होना, परिचित होना, ठीक है। जिसे आप, जिसे बोलते हैं फैमिलियर विद, मतलब मैं इनके साथ फैमिलियर हूँ, मतलब मैं इनसे बिल्कुल क्या हूँ, परिचित हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्वेंट विद, एक्वेंट विद, फैमिलियर विद, इसका मतलब क्या होता है, फैमिलियर विद मतलब कि परिचित होना। एक्वेंट आप याद रखेंगे, एक्वेंट का मतलब होता है परिचित होना, मतलब उससे किसी से रिलेटेड होना, ठीक है। तो ये हो गया एक्वेंट, एक्वेंट के साथ आपको याद रखना कि हमेशा क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नो एक्वेंटेड विद दिस लेडी, मतलब कि मैं इस लेडी के साथ में क्या हूँ, फैमिलियर नहीं हूँ, मतलब कि मैं इस लेडी से परिचित नहीं हूँ, ये क्या हो गया, एक्वेंटेड विद, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एडिक्टेड टू, अब क्या देखना है, एडिक्टेड, एडिक्टेड पहले देख लेते हैं कि एडिक्टेड मीन्स क्या होता है। तो एडिक्टेड मीन्स होता है फ्रेंड किसी चीज़ का आदि होना, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि लत पड़ जाना, आप जैसे बोलते हैं कि जैसे उसको शराब पीने की लत पड़ गई है, मतलब वो उस चीज़ का क्या हो गया है, आदि हो गया, मतलब उसकी क्या हो गया, मतलब कि हैबिट पड़ गई है, ठीक है, वही होता है क्या, आदि होना, ठीक है। ये क्या होता है, एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ क्या लगाएंगे, एडिक्टेड के साथ लगाएंगे आप टू। बी गिवन टू समथिंग हार्मफुल, मतलब कोई चीज़ ऐसा आदि होना जो आपके लिए क्या हो, वो चीज़ नुकसानदायक हो, उसका आदि होना। जैसे ड्रिंक क्या होती है, ड्रिंक सबके लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। तो ड्रिंक, जैसे आप ड्रिंक ले रहे हैं तो आप ड्रिंक क्या है, ड्रिंक के आदि हो चुके हैं, ठीक है, जो कि ड्रिंक आपके लिए नुकसानदायक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल, मतलब कि जो वो एल्कोहल का क्या हो चुका है, वो एल्कोहल का आदि हो चुका है, मतलब कि उसको जो एल्कोहल है उसकी क्या लग गई है, उसको लत लग गई है, ठीक है। तो ये होता है आपका एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू मतलब आदि होना, ओके। तो एडिक्टेड सब क्या लगाएंगे, टू। एश्योर्ड क्या है, एश्योर्ड, एश्योर्ड क्या होता है ये देख लीजिए, श्योर जानते हैं ना, श्योर मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव थिंग्स देना, यस करना, तो वही होता है एश्योर्ड। एश्योर्ड का मतलब होता है कोई पॉजिटिव, किसी के बारे में क्या सोचना, पॉजिटिव थिंग्स रखना, मतलब कि सहानुभूति रखना, ठीक है, क्या रखना, सहानुभूत रखना, ठीक है, निगेटिविटी हटा के क्या रखना, पॉजिटिविटी रखना, ठीक है। तो वो क्या होता है, एश्योर्ड, एश्योर्ड के साथ क्या लगाते हैं, हमेशा ऑफ लगाते हैं, क्या लगाते हैं फ्रेंड, ऑफ लगाते हैं, ओके, एश्योर्ड ऑफ। देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम एश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन नीड, आई एम एश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन नीड, मतलब कि मुझे उसकी सहायता की है ना, मतलब कि क्या है, जरूरत बिल्कुल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला भी आ गया है, अटेंड टू, अटेंड टू का मतलब क्या होता है, अराइव एट पोजीशन या पोस्ट, मतलब किसी भी पोजीशन पर या पोस्ट पर क्या होना, पहुँचना, वो क्या होता है आपका, अटेंड, अटेंड के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं यहाँ पे, ही अटेंड टू दिस स्टेटस आफ्टर हार्ड स्ट्रगल, मतलब कि वो इस स्टेटस, मतलब कि स्टेटस तक पहुंचने में उसको क्या लिए गए हैं, बहुत कठिन परिश्रम के बाद वो इस स्टेटस तक पहुंचा है, ठीक है, इस पद पर पहुंचा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना, तो अटेंड के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है, आपको याद रखना है, अटेंड के साथ आप टू लगाएंगे, ठीक है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो आप जानते हैं कि अट्रैक्शन क्या होता है, किसी से, किसी की तरफ क्या होना, अट्रैक्शन होना, मतलब किसी से क्या होना,
प्रेम होना आप क्या होते हैं, उसे आप बोल सकते हैं अट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड? अट्रैक्शन मतलब कि आकर्षण। क्या बोल सकते हैं? आकर्षण। ये होता है आपका अट्रैक्शन। ठीक, तो अट्रैक्शन के साथ आप क्या लगाएंगे? फॉल लगाएंगे। इसका मतलब एक थिंग ऑफ पर्सन, मतलब कोई चीज पर भी आपका अट्रैक्शन हो सकता है या फिर किसी चीज पर, मतलब किसी कोई इंसान पर भी आपका अट्रैक्शन हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, ही हैज अट्रैक्शन फॉर हर, मतलब वह उस लड़की पर क्या था, उसका आकर्षण है। ठीक है, क्योंकि हर किसके लिए लगाते हैं? कोई लेडी के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। एक होता है क्या अट्रैक्टेड, देखिए अट्रैक्टेड फॉर, अट्रैक्शन फॉर था, एक होता अट्रैक्टेड, वो था अट्रैक्शन फॉर, अब यहाँ पे है अट्रैक्टेड टू। ठीक है, ये भी थिंग है पर्सन के लिए, दोनों चीजें यूज होती हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर एट फर्स्ट साइड, मतलब कि टू भी यूज हो जाता है और फार भी यूज हो जाता है, दोनों ही अट्रैक्शन, मतलब वो अट्रैक्शन के, अगर अट्रैक्शन आ रहा है तो आप फार यूज करेंगे, अगर अट्रैक्टेड आ रहा है तो आप टू यूज करेंगे, और दोनों ही क्या थिंग्स या पर्सन दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। तो बस आपको इस ये चीज़ आप अच्छे से याद रखें कि अट्रैक्शन आया है तो आप क्या लगाएंगे? फॉर लगा देंगे, अगर अट्रैक्टेड आया है तो आप टू लगा देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए अवेल ऑफ टेक क्या है, अवेल ऑफ टेक, अवेल ऑफ टेक का मतलब होता है एडवांटेज ऑफ, मतलब किसी चीज से क्या लेना, मतलब कि देखिए यहाँ पे टेक नहीं है, ये यहाँ पे टेक है, ये टाइप ऑफ मिस्टेक है, मतलब अवेल ऑफ, अवेल ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी से क्या लेना, मतलब कि एडवांटेज मीन्स क्या होता है, लाभ होना। क्या होता है फ्रेंड? लाभ होना, ये होता है आपका अवेल ऑफ। ओके, किसी चीज़ से आपको क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, मतलब कि कोई चीज़ आप क्या कर रहे हैं, मतलब चूज कर रहे हैं। ठीक है, सी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस, मतलब उसको ये सफलता के, मतलब कि पाने के लिए उसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और सफलता को हासिल किया उसने, उसके लाभ से, मतलब कि बहुत सारे उसके पास ऑप्शन थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। एलूफ, अच्छा एलूफ क्या होता है, तो एलूफ का मतलब होता है फ्रेंड अलग, क्या होता है, अलग होना। एलूफ फ्रॉम, मतलब आप किसी चीज से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है एलूफ, एलूफ के साथ क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है, कीप फ्रॉम, क्या होता है, कभी कभी मीन्स भी, आजकल एग्जाम में प्रीपोजिशन का मीन्स भी पूछ रहा है, तो आपको मीन्स भी याद रखना है, मतलब ये तो याद ही रखना है कि इसके साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे, और उसका मीन्स भी याद होना चाहिए कि क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, तो एलिव फ्रॉम का मतलब होता है कीप फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ से क्या होना, अलग होना। तो कीप ए लो फ्रॉम बैड बॉयज, मतलब कि वो बैड बॉयज से हमको क्या करना चाहिए, हमेशा अलग होना है, मतलब कि अलग ही उनसे होना चाहिए, अलग ही रहना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? तो चलिए, तो फ्रेंड ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस, कैसे लगे? ठीक है, आप अपना राय दे सकते हैं, आप अपना फीडबैक में बता सकते हैं कि ये क्लास कैसी थी, और अगर ये सीरीज चलानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सीरीज कंटिन्यू करें या ना करें, अगर आप लिखेंगे तभी एक सीरीज कंटिन्यू होगी, वरना दूसरे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड तक। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।